ये मोटी मोटी जो है लेकिन बहुत पिछले है उसमें। एक चीज देखो ना, जब 1934 का ये है, ये आज भी देखो पिछले कितने साल से ऐसे रखा हुआ है, ये कम से कम 25 साल हो गए। ये मशीन बहुत बढ़िया है, अभी कम से कम 100 साल होने आए, 90 साल तो हो गए इसको। सब स्टैंडर्ड, आज तक स्टैंडर्ड क्रैंक है, गियर बॉक्स को हमने आज तक पाना लगाया नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया मशीन है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आज आप लोगों को ना एक ऐतिहासिक बात बताऊंगा इस वीडियो में, अगर ना लगा ना तो बेसिक वीडियो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, गारंटी चैलेंज है इस बात का। आप लोगों ने, मैं दिखाता हूँ भारत में ये जो डोजर आप देख रहे हो, भारत में जो सबसे पहले डोजर आए थे किस लिए आए थे, क्यों आए थे, 1934 के यहाँ पर डोजर हैं भाई। ये चार डोजर हैं और चारों के चारों रनिंग कंडीशन में। और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, सेल के लिए नहीं है, कहीं ये सोचा भी कोई सेल के लिए है, कोई सेल के लिए नहीं है, और चारों के चारों कंडीशन और रनिंग कंडीशन में। फर्स्ट ओनर इनके जो फर्स्ट ओनर जो इनको खरीद के लेगा, डायरेक्ट कंपनी से खरीदा था उन्होंने, इनको खूब चलाया है। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में, वो ओनर वहाँ सामने खड़े, उनसे बात करवाऊंगा। और मैं, ये है महाराष्ट्र के अंदर ये मैं आया हुआ था, तो यहाँ पे एक बंदा है उससे मिलवाऊंगा। और ये 1934 का प्लाऊ भी पड़ा, MB प्लाऊ, 5 MB प्लाऊ है उसके अंदर, और वो भी दिखाऊंगा। जैसे भाई ये अपना बैमल कंपनी का है डोजर, इधर फिर अपना बैमल कंपनी का आ गया डोजर एक, और 350 HP के तीनों ये, और ये लास्ट में है 150 HP का लॉन सेंटर बो का। तो जो इनके फर्स्ट ओनर हैं उनसे मिलवाता हूँ। और ये योगेश भाई है जो मेरे को इसने इसके बारे में बताया, भाई यहाँ डोजर हैं, और यहाँ आने के बाद अंकल जी से मिले जो इनके ओनर हैं, मालिक हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दो सर। हाँ। आप अपना नाम पता बताओ सर, क्या है? मेरा नाम सुभाष दत्तात्रेय गिरमे। ओके। मुक्काम पोस्ट भोकर, तालुका श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर। अहमदनगर महाराष्ट्र, भारत। ठीक, तो एक चीज बताओ, जैसे ये डोजर सब कौन सा मॉडल है और कौन सी कंपनी का? ये डोजर D7M है, ये 1934 का मॉडल है। ठीक ठीक, आज तक हमारे पास है। आप फर्स्ट ओनर हो इसके? डायरेक्ट नया खरीदा था आप लोग? इसी से मंगाया था पिताजी ने। उनका नाम बताओ, पिताजी का नाम? DM दत्तात्रेय मारुति गिरमे, फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, अरे वाह, उन्होंने देश के लिए क्या चीज छोड़ के चले गए। ठीक ठीक, तो और बताओ इसके बारे में, और बताओ कौन सी कंपनी का? ये कैटरपिलर कंपनी का है। नहीं, लॉन सेंटर बो का है। लॉन सेंटर बो LNT का? नहीं, तो प्लाउ है LNT का, इसके ऊपर भी LNT की मोर लगी हुई है। मोर है, लेकिन वो डीलर था पहला, LNT हार्ड डीलर USA का था, कैटरपिलर कंपनी का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था जो हमें जो पता है, जैसे आप बता रहे हो लॉन सेंटर बो, तो यहाँ इंडिया में एक सेल्समैन था, सेलमैन, ये कंपनी सेल्स के लिए आई थी, लेकिन थे कैटरपिलर के। में उनका ऑफिस था LNT का। अच्छा, ये सिर्फ डोजर ये करते थे, अभी बाद में वो सिविल में गए। अच्छा, LNT कंपनी ओनली डोजर सेल करते थे अमेरिका का। अच्छा, कैटरपिलर का है ये? कैटरपिलर का ही। अरे वाह, और बताओ इसके बारे में इतिहास बताओ, इसका कैसा क्या है? ये मशीन बहुत बढ़िया है, अभी कम से कम 100 साल होने आए, 90 साल तो हो गए इसको। सब स्टैंडर्ड, आज तक स्टैंडर्ड क्रैंक है, गियर बॉक्स को हमने आज तक पाना लगाया नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया मशीन है ये, मान लो 90 साल हो गए इस मशीन को ना, तो आज तक आपने इसका इंजन खोलने की जरूरत पड़ी? नहीं, इंजन खोला, इसका लाइनर पिस्टन बदली होता है। हाँ, मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक ठीक, एक बार मेंटेनेंस किया तो मिनिमम 10 साल तक वो चलता है। अच्छा, और गेयर बॉक्स आज तक नहीं खुला? आज तक नहीं खोला, बस ऑयल बदला और चलाते रहे। बस ऑयल बदली करो, चालू करो, और ये अभी मैं इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया है। अच्छा, आपने इसको पेट्रोल मशीन था? अच्छा, पेट्रोल मशीन से वो घुमाएंगे, फिर बड़ा मशीन चालू हो जाएगा, पेट्रोल मशीन बंद कर देने का। मतलब पहले छोटा पेट्रोल का इंजन वो स्टार्ट होएगा, उसके बाद वो पूरे इंजन को घुमा के डीजल इंजन स्टार्ट करेगा। पहले स्टार्टर नहीं था ना? हाँ हाँ हाँ, सिस्टम नहीं था। ठीक ठीक, और ये केबल सिस्टम है, हाइड्रोलिक था नहीं ना? नहीं, उसके बाद ये हो गए ना, अभी सब कंप्यूटराइज बन रहे। तो ये उस टाइम पे जैसे केबल के साथ उठता था, ये ब्लेड और नीचे डलता था, इसकी क्वालिटी में क्या है, आपको क्या लग रहा है? जैसे अपने पास और भी चार भी तो हैं। नहीं नहीं, ये क्वालिटी में मेंटेनेंस बहुत कम है। अच्छा, मेंटेनेंस लो है कैसा इसका? एकदम कम, और ये मशीन बहुत सबसे अच्छा बढ़िया मशीन ये। मतलब आज अगर हम चलाएं तो कैटरपिलर कंपनी का ही लेने का। अच्छा, कैटरपिलर कंपनी सबसे बढ़िया, मेंटेनेंस कर दिया, मेंटेनेंस सही रहेगा,
तो 10 साल तक चलता ही रहेगा वो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ मेंटेनेंस सही चाहिए, टाइम पे मेंटेनेंस होनी चाहिए और सही मेंटेनेंस करो। 10 साल तक चेन बीन कुछ खराब नहीं होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया मशीन है ये, इंडिया में फर्स्ट लिया डोजर है हमने। अच्छा, ये भारत का पहला डोजर था ये? इंडिया में फर्स्ट डोजर लाया था पिताजी ने, एग्रीकल्चर के लिए लाया था, गन्ना की खेती, जंगल पहाड़ सब काटने के लिए लाया था। इसलिए अच्छा, ये पहले जैसे भारत में जो जैसे 1930 में जब आया एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ही आए थे ये रोड कंस्ट्रक्शन के काम के लिए? नहीं नहीं नहीं, ओनली खेती के लिए। तो खेती के लिए, फिर बाद में जब इनका काम देखा, इनका यूज प्रयोग देख के, फिर सरकार ने आजादी के बाद में क्या हुआ, एग्रीकल्चर बड़ा बड़ा खेती बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, ट्रेन का कानून लगाया, इसलिए खेती का टुकड़े टुकड़े हो गया। और ये बड़े मशीन को बड़ा प्लाट चाहिए, कम से कम 100 एकड़ का। ठीक, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छोटा प्लाट में नहीं चलता है वो। हाँ हाँ हाँ। बड़े प्लाट में चलता है, लेकिन किसान का खेती गवर्नमेंट ने एक्वायर किया छोटे छोटे प्लाट, उसके बाद हमने ये ब्लेड बिठाया उसको। अच्छा, उसके बाद? अच्छा, ये ब्लेड बाद में लगाया आपने? बिना ब्लेड आया था ये? शुरू में ही था। अच्छा, लेकिन गन्ना की खेती के लिए वही बना रहे थे ना। ठीक ठीक, गन्ना की खेती बहुत थी, गन्ना की खेती इधर सब इंडिया में सबसे ज्यादा गन्ना महाराष्ट्र में श्रीरामपुर में होता है। हाँ, ये बस ही कर रहे हो आप, श्रीरामपुर में होता है, फर्स्ट फैक्ट्री इधर है गन्ना की। अच्छा, चीनी फैक्ट्री। और उनके यहाँ 13,000-14,000 एकड़ जमीन था, इसके लिए ये डोजर चलते थे खेत के किसान गन्ना लगाने के लिए। अच्छा, तो ये पूरा ओरिजिनल है अभी फिलहाल? ओरिजिन है, आज तक उसमें कुछ ये नहीं किया, पूरा ओरिजिन है। ये जैसे ब्लेड है, इसमें आपने कभी दिक्कत नहीं आएगा? आज ये और जो सात का ही ब्लेड है, ये सात का ब्लेड है, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, उस टाइम से लेकर आज तक भी वैसे देखा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितने एचपी का इंजन है ये? कितने एचपी? 150 एचपी। अच्छा, 150 एचपी, 4 सिलेंडर इंजन? 4 सिलेंडर। अच्छा, ये 4 सिलेंडर इंजन है ये रहा, कैटरपिलर का है ये वैसे, और लॉन सेंटर बोलो, यहाँ एक सेल्समैन था, जैसे एस्कॉर्ट कंपनी सेल्समैन थी कभी किसी जमाने में, अब आपने इसको सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, देखना गियर काम कर रहे हैं ये। अरे तेरी तो भाई साहब, ये तो फिर पीछे कुछ और हो गया होगा। ये वाला भी अंदर, ये एक ट्रैकर है, दोनों ट्रैक चलाने के लिए। ये देखना, ये भी स्टार्ट है बिल्कुल, ये एयर क्लीनर होगा इसका, ये साइलेंसर हो गया। नॉन टर्बो इंजन है ना ये? 4 सिलेंडर नॉन टर्बो इंजन है भाई ये। और स्टार्टर नहीं तो स्टार्ट कैसे करेगा? पेट्रोल इंजन से नहीं स्टार्ट? नहीं नहीं, अब पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन वहाँ था क्या बताओ? वो बाजू में। अच्छा, उस बाजू में दिखाना एक बार कहाँ था वो बताओ, एक बार कहाँ था इसमें पेट्रोल इंजन? ये केबल से उठता था डोजर पहले, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक थे नहीं, तो केबल से ही चला पेट्रोल मशीन। अच्छा, यहाँ था इसका पेट्रोल मशीन? पेट्रोल मशीन, और ये डीकंप्रेसर है, जब ये घूमेगा ये ऊपर लेने का मशीन चालू होता था। अच्छा, पहले इंजन स्टार्ट हो फिर इसको ऊपर कर दो हैंडल को, तो ऑटोमेटिक फिर क्रैंक को घुमाकर पूरे मेन इंजन को स्टार्ट कर देगा वो। अच्छा, वाह वाह, ये ऐसे स्प्रिंग दे दिया भाई इसमें, इसको चेन को टाइट करने के लिए। क्या टाइट है, इधर नट है वो। हाँ, चेन टाइट करने का होगा तो लूज से घुमाने का, लूज या टाइट करने का, लूज करने का, टाइट करने का। ठीक ठीक। अच्छा, कैटरपिलर लगा यहाँ लॉन सेंटर बोना, अपने मोहर लगा रखे इस पे, ये और जो इस पर नाम भी लिखा हुआ पीओ पोस्ट ऑफिस बॉक्स 278 बॉम्बे 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 का ये लॉन सेंटर बहुत दोबारा ला। ये जैसे तार इसी से उठता था क्या ये सारा कल? ये सब साथ में था। अच्छा, ये मैकेनिज्म यहाँ दे दिया, जैसे यहाँ से तार, जैसे लीवर, ये लीवर उठाना लगाना पड़ता था क्या? जैसे आप एक बार ये उठाने का है। अच्छा, ये उठाने के लिए। अच्छा, ये ड्राइवर के पास पहुँचा? ये ड्राइवर के पास रहता है। अच्छा, ये यहाँ से अंदर ज्यादा करने का ये लीवर है। वैसे एक बात है, इसको चलाने में भी ताकत की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि खींचना इधर कोई छोटी बात तो नहीं है। उसको मेहनत भी करना पड़ता है। हाँ, मेहनत भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी। इसकी कलच दे दी यहाँ पे, ब्रेक भी दे दी इसी की। ठीक ठीक। और ये MB प्लाउ का बताओ, ये कैसे क्या है? अच्छा, ये इधर इसका नेम प्लेट लगा हुआ है, जो मेन जो था इसका। ठीक ठीक, ओवरऑल डायमेंशन है इसकी, ये एजेंट था। अच्छा, एजेंट था उस टाइम पे लॉन सेंटर वो। भाई साहब, इसका तो हिच भी बहुत भारी है जी। ओरिजिन है, ओरिजिनल सब कुछ, कुछ नहीं बदली किया है उसको। ये अपना ये प्लाउ LG 14 है। LG 14
अच्छा LG 14। ठीक ठीक ठीक। टोटली मैं ये इसके लिए आया थे प्लाऊ? हाँ इसके लिए प्लाऊ। अरे वाह, मैकेनिकल है टोटली सारा। अच्छा इसमें ये हिच देख लो, हिच को लगाने का। हाँ हिच ही काफी बड़ा है इसका। हिच लगाने के बाद खींचना इधर ऐसा रस्सी ला के ऊपर उठ जाता है। अच्छा इसको वो करने से वो अपने आप ऊपर उठ जाएगा? उठ जाता है। और फिर घूम के आया तो ये फिर रस्सी खींचा नीचे गिर जाता है। फिर नीचे गिर जाएगा। अरे देखो इसमें कहीं कोई वेल्डिंग कुछ नहीं, टोटली रिबिट है ये अभी तक वही नट बोल्ट के साथ में। काफी बनाने वाले ने काफी मेहनत करी, तो मोटी मोटी एंगल लगा रखे इसमें। ये मोटी मोटी जो है लेकिन बहुत स्पेशल है। एक चीज देखो ना, जब 1934 का ये है, ये आज भी देखो पिछले कितने साल से ऐसे रखा हुआ है ये? ये कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल से ऐसे ही रखा हुआ ये, और आज तक ये जंग नहीं खाया? अरे वाह बहुत बढ़िया जी। ये तो अभी 25-30 साल से हम डोजर चला रहे ना। हाँ हाँ। इसको बंद कर दिया क्योंकि बड़ी खेती नहीं है, खेती के लिए पर उठता नहीं। इनका एक चीज बताओ कि क्वेश्चन वैसे है तो मेरा पूछने का लायक, बेचने का क्या इरादा आपका? नहीं बिल्कुल बेचेंगे नहीं। कारण क्या है वो बताओ। ये तो हमारी लक्ष्मी है, हम पूजा करते इससे बड़े हो गए, इन्होंने बहुत पैसा कमा के दिया है हमको, और ये हमारे पिताजी जैसा हमको आशीर्वाद देने वाली चीज है। अरे वाह, मतलब ये होती है एक फैमिली मेंबर, ये होता है दिल से सलाम इन चीजों को। अब जैसे देखो ये कितने साल से, ये तो हम शोरूम में रखने वाला है। अच्छा अच्छा रिस्टोर करके पूरा? अरे वाह, चारों को? चारों को सेड में लगा दे। ठीक ठीक ठीक। नहीं ये बात तो सही का, क्योंकि आज जो आप खड़े हो, स्टैंड जो आपके पास, आपकी पॉकेट में जो हो ही नहीं के कारण है। और जो खेती की बात करें, खेती भी इन्होंने सब कुछ इन्होंने था। आपने इनसे कमाई कितनी खेती खरीदी होगी? हमने खेती कम खरीदा है क्योंकि सीलिंग का कानून था। पिताजी हमारे कानून के खिलाफ नहीं चलती थी। अच्छा। वो जो कानून असेंबली में बनेगा उसके दूसरी नहीं जरा उसका पालन हो जाएगा। अच्छा। लोग करेगा नहीं करेगा उसका कोई उनको ये नहीं, वो उन्होंने देश के लिए आजादी लड़ी है। आजादी 2.5 साल जेल में थे वो। अच्छा। महात्मा गांधी के साथ 94 में गए थे। अच्छा 94 में क्या उनकी डेथ हो गई थी? नहीं नहीं नहीं, अभी वो गुजर गए 2009 में। ठीक ठीक। 105 साल तक उम्र था उनका, साईं बाबा के गोद में खेली थी वो। अरे वाह। हमारे यहाँ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने हमको गोद में उठाया है। अरे वाह, देख लो सलूट है। ऐसे बंदे से मिलना, मतलब हम तो रोड से आते हैं चले जाते हैं, पर हमें नहीं पता था ऐसी एक शख्सियत यहाँ भी रहती है। नहीं अपने देशवासियों को पता तो होना चाहिए, लोग ऐसे ऐसे इतने मेहनती आदमी हैं आज भी इस दुनिया में। बहुत लोग हैं लेकिन उसको कीमत नहीं है ये पॉलिटिक्स में। हाँ ये उनका काम था। जितने फ्रीडम, अभी देखो पूरा इंडिया में कितने फ्रीडम फाइटर के बेटे मिनिस्टर है, कितने MLA, बिल्कुल कितने खासदार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं है। उनका काम एक ही था, उन्होंने पूरा प्रपंच सत्यानाश करके देश को आजाद किया, बाल बच्चे को देखा नहीं। अरे उन्होंने अपना पूरा जीवन ही दान, भाई मरेंगे इससे ज्यादा क्या होना है। 2000 एकड़ जमीन थी इधर, 2000 गुड़ फैक्ट्री थी, लेकिन पिताजी ने ये देखा नहीं। 92 से वो जेल में गए तो पूरा देश के लिए ये ब्रिटिश ये भगाओ 8 अगस्त 94 में जेल हुई थी। पंडित नेहरू को जिस महात्मा गांधी को जिस दिन पकड़ गिरफ्तार किया उसी दिन हमारे पिताजी को 2.5 साल उनको एरोडा जेल में रखा था। अच्छा अच्छा, चलो वो देखो उनकी तो क्या, उनकी तो हम एक बाल के बराबर भी नहीं है। उन्होंने इतना कुछ कर रखा है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ सही भी नहीं है। वो तो दानशूर थे, इतना भी सब था देश के लिए अर्पण किया, पर उन्होंने ये नहीं पता था ना भविष्य में ऐसा हो जाएगा। बच्चे का संसार देखा नहीं, फैमिली का देखा नहीं, वो पूरा देश अपना बाल बच्चे ही बोलते थे। नहीं उन्होंने देश के लिए किया था, पर देश का ऐसा बुरा हाल करने लग रहे नेता, बुरा हाल कर दिया इन्होंने। बहुत दुख होता है ये देख के। बिल्कुल बिल्कुल, वेस्टेज मनी खर्चा करते ना दुख होता है। उस टाइम भी दारू थी लेकिन श्रीरामपुर के अंदर दारू चीज मालूम नहीं थी। अच्छा। कांग्रेस भवन इधर बनाया था उसकी टाइम, जहाँ अभी कांग्रेस भवन है ना, इधर अपन बनो धर्मशाला। श्रीरामपुर में मस्जिद नहीं थी, मंदिर नहीं था, रेलवे स्टेशन नहीं था। उस दिन उन्होंने बड़े ये बनाया था बिल्डिंग।
अच्छा। कि बाहर के लोग आएंगे या रहेंगे। श्रीरामपुर में फर्स्ट बिल्डिंग अपना है। हाँ। अच्छा, फर्स्ट बिल्डिंग ये मेन रोड की कमानी की है ना, दुनिया पोस्टर समोची क्या की बिल्डिंग है। आंचीवाजी रोड ला साउथ अमाली रोड है ना। हाँ। उंडे दुकान अपनी। अरे वाह, मतलब आप लोगों को सलाम, आपके परिवार को, देश के लिए भी। हमारा जमता अच्छे आदमी से। नहीं, ये बस सही कह रहे हो, सच्चे से। सत्य सत्य रहेगा उसके लिए हमारी हृदय निकल के देंगे, और झूठ रहेगा उसको पानी भी नहीं पिलाएंगे। नहीं, होना भी यही चाहिए। वैसे होना भी चाहिए। हमारी इधर भगवान कृष्ण के लिए पूजा करते है, बस हम तो भगवान बनेंगे नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया वो आप लोगों तक पहुँचेंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप ये चीज। चलो, हम भी आप जैसे बुजुर्गों से सीखेंगे चीजें, आने वाले अपने टाइम अपने बच्चों को बताएं, वैसे से इतिहास रचना ऐसे कर। फैमिली को लेके आइए हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे जी, पूरा दो दिन रहने को आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। आप पंजाबी है ना? मैं जाट हूँ जी, हमारी आने का। अभी देखो तो इनका, जैसे मशीनों में जैसे हम बात करें, अगर हम दोबारा अपनी मशीनों बातें हैं, तो जैसे अपना ये कैटरपिलर का हो गया, और अपने ये बैमल वगैरह के भी खड़े हैं, तो इनमें क्या अंतर है? नहीं, बहुत अंतर है। किस चीज का अंतर है? मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस के लिए बहुत तकलीफ है। अच्छा, इनमें तकलीफ ज्यादा होती है, मेंटेनेंस ज्यादा आती है इनके अंदर। ये मेंटेनेंस के लिए, ये लोहा इंडियन मटेरियल इतना पावरफुल है नहीं जितना ये इन्होंने कैटरपिलर वालों लगा रखे। सामने सामने है ना? हाँ, नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं बात। तो ये कौन सा मॉडल है? ये 92 का है। ये 92 का है, और ये 934 का है। 34 का है। अरे वाह, ये तो वैसे देखने में क्वालिटी में फर्क है इन चीजों का। बहुत फर्क है ना। चलो, जो भी है, देखो समय के हिसाब से बनाने वाले नहीं, नहीं कुछ सोच के ही बनाया होगा इनको। अच्छा, ये 92 होगा। ये वाला कौन सा मॉडल है? उधर वाला जो है जापान का है। अच्छा, ये वाली जापान की मशीन है? ये वाली जापान। इसमें क्या, ये जापान कौन सी कंपनी का है? ये क्यूमिंस। क्यूमिंस जो आज इंडिया में वो कर रही है। अच्छा, क्यूमिंस इंजन जो अपना टाटा कंपनी यूज करती है। अच्छा, ये क्यूमिंस कंपनी का ही है ये वाला भी? ये जापान का है। मैंने सोचा ये भी बैमल का ही है। नहीं नहीं, जापान का। इसमें क्या मेंटेनेंस है? इसको मेंटेनेंस बहुत कम है। अच्छा, इसकी भी कम, वो कैटरपिलर से कम है या? वो उन्होंने उसकी कॉपी बनाया, लेकिन वो जैसा बनेगा नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो नहीं बन सकता। अच्छा, जैसा बनाया ये सेम है वो, लेकिन ये हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक ये लेटेस्ट मशीन है। ये कौन सा मॉडल है? ये D88 और D7 है वो। ये कौन सा मॉडल है? ये D88। अच्छा, D88 ये बनी कब थी मशीन, लेके कब आए थे आप? ये 67 का है। अच्छा, ये 67 का है। 1967 का। ये फुल्ली हाइड्रोलिक है, जैसे जो अपने हाइड्रोलिक है, स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक है। नॉन टर्बो है इंजन। कितने एचपी में है इंजन? ये 350 350 एचपी का है। अच्छा अच्छा, 6 सिलेंडर। हाँ, 6 सिलेंडर है ये। 6 सिलेंडर है वो। ठीक, ये इसकी ये मुड़ी हुई है या ऐसे शेप में आती थी? ये क्या हुआ, यहाँ हमने काम किया, पूरा पहाड़ था। पहाड़ काट काट के पत्थर में है, पत्थर। हाँ, टेढ़े में टेढ़े। दो दो डोजर एक पत्थर ठेलते थे, इतना बड़ा बड़ा। उत्तरी है, इसलिए वो बैंड हुआ है। अच्छा, बैंड हो गया, वैसे सीधी थी, स्ट्रेट थी ये। अच्छा अच्छा, वेट कितना है? वेट वेट 30 टन का वेट है। 30 टन वेट, एक में 30 टन का वेट है। हद है जी, ये तो एक में 30 टन बहुत ज्यादा हो जाता है। इनका माइलेज कैसा था, डीजल खर्चा कितना, कैसा क्या था इनका? इसका डीजल खर्चा आता है पर आवर 12-13 किलोमीटर। इसका 12-13, जैसे जो 150 HP नहीं, उसका 8-9 लीटर। वो एचपी में भी ज्यादा होगा इससे लगभग? 2 सिलेंडर ज्यादा है नहीं? हाँ, 2 सिलेंडर भी ज्यादा, फिर ताकत भी ज्यादा होगा ना। हाँ। उसके हिसाब से 12 लीटर तो ठीक ले रही है अभी। वो 4 सिलेंडर हो गए, फिर वो इतना पुरानी टेक्नोलॉजी भी है ना, जो उस टाइम पे इंजन बनने स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे तो बहुत कुछ डीजल बहुत कम लगता है उसको। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया मशीन है वो। मशीनें सारी अच्छी हैं वैसे तो समय के हिसाब से, लेकिन ये जो भारत में आई थी, ये पहले एग्रीकल्चर के लिए आई थी, खेती के लिए, बाद में ये सब चला भाई उसके लिए चल पड़ा ये। चलो जी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपने परिवार की बैकग्राउंड सुन के, और सारा सब देखा, आपका प्यार देखे इन मशीनों के प्रति, और अपने परिवार देश के लिए जो आपका प्यार है ना,
वाकई में अभी आपको भी मिलके हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जी, तो आपका टाइम लिया हमने। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये योगेश भाई का भी धन्यवाद भाई। योगेश तो ना ये चीजें बताई रही है, इतनी दूर में आया था भाई, ऐसी ऐसी चीजें। अब योगेश आपको बहुत कुछ सीखने को मिला आज, बहुत कुछ। आप दोनों डोलर घून दी पप्पा ले घूमिया, एक जो समाज ये दोनों समझूं शांतो कंस्ट्रक्शन के लिए। चलो आप करो, आप बातें करो, मैं तो बंद करता हूँ वीडियो। तो भाई ये चीज बताना और दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ये डोजर थे और ये इनका शेल, ये इधर वाला क्यूमिंस का, सॉरी भाई मैं गलत फहमी में पहले बैमल का बताया था मैं, तो ये भी यही थी वीडियो आपको बताना और दिखाना चाह रहा था भाई। जैसी वीडियो कमेंट करें जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।